एंड स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटर्स और क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो आज ट्रायंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल के जो भी फंक्शन फीचर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो अगली वीडियो आने वाली है वो है सर्किल्स के ऊपर। तो क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल और सर्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को या इन वीडियो सीरीज को जरूर देखें। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या होता है, जो बेसिक्स से हम बात करने वाले हैं, जीरो से आप हीरो की तरफ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसमें ट्रायंगल के बारे में ना पूछा जाए। और बेसिक चीज जो होती है ट्रायंगल की, वो उसके पार्ट्स और फीचर्स ही होते हैं। तो देखते पहले ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्राई मतलब थ्री और एंगल मतलब, तो जानते ही होंगे एंगल, यानी कि जिस ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री एंगल्स हो। लेकिन डेफिनेशन होती है ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या हो, थ्री साइड्स हो। तो ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट का फिगर जिसमें थ्री साइड्स दी गई हो। जब थ्री साइड्स दी गई हैं तो थ्री एंगल भी होंगे, एंगल ए बी सी। तो ये एंगल्स है, ये 1, 2, 3, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये क्या हुए इसके एंगल्स। ए बी, बी सी और ए सी क्या हुई इसकी साइड्स हुई, और ए कोमा बी कोमा सी इसके क्या हुआ, वर्टिसेस हुए। यानी कि कहने का मतलब ट्राइंगल का इंट्रोड ये हुआ, अ पॉलीगन विच हैव थ्री साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिस पर थ्री साइड्स हों उसको ट्राइंगल बोला। अब जब थ्री साइड्स हैं तो थ्री एंगल्स होंगे, बिकॉज दे हैव लाइन सेगमेंट्स। तो दो लाइन, दो रे को मिलेंगे तो एक एंगल बनेगा, ऐसी दो एंगल मिले तो दो ये वाले बने तो एक एंगल बना, ऐसी ये बने। तो थ्री एंगल, थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस, तो ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल के टाइप्स जो देखेंगे वो हैं, बेसिकली तो हम जानते हैं इक्विलेटरल, इसोसेलेस, लेकिन वो टाइप्स नहीं होते। टाइप्स होते हैं इसके दो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने हैं, दो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कितने टाइप्स हैं, दो, पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के हिसाब से जो ट्राइंगल के टाइप्स होंगे वो देखेंगे। पहला इसमें टाइप आता है वो आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इन ट्राइंगल्स की हम पेरीमीटर भी डिस्कस करेंगे, एरिया भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एक कुल मिला के ट्राइंगल्स का पूरा एक निचोड़ हम इस वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं। सेकंड, आइसोसेलेस, थर्ड स्क्लैनी, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्क्लेनी, तीन प्रकार के। उसी के अंतरूप इनके फीचर्स, इसमें क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ए बी सी तीनों साइड इक्वल होती है, थ्री साइड होती है, वो भी आपस में कैसी होती, इक्वल। बात समझ में आई, थ्री साइड्स इक्वल। अब जब थ्री साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल है, तो थ्री एंगल भी इक्वल। और कितने कितने होते हैं भाई, 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री, सारे 60 डिग्री के होते हैं। ये हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया हुआ √3/4a² वेयर a इज इक्वल टू साइड, ये क्या है, ये साइड, ये इसका एरिया हुआ सिंपल, यानी कि √3/4a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करना, ये हुआ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से पहले एक और चीज आ जाती है, इसमें एक हाइट भी होती है, ये देखेंगे क्या होती है, लेकिन इसकी हाइट की मेजरमेंट की आ जाता है फॉर्मूला, हाइट इज इक्वल टू √3/2a। जो जो हाइट होती है वर्टिसेस से डलती है, इसको
आगे जब पढ़ोगे तो ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, डिस्कस करेंगे आगे। हाइट जो फॉर्मूला है रूट थ्री अपॉन टू ए, यानी पेपर कॉपी लो और कॉपी पेन लो, उसको बिल्कुल हिसाब से उतारते जाओ कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहला पार्ट, उसमें भी तीन पार्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्क्लेनी, और इक्विलेटरल में थ्री साइड्स इक्वल, थ्री एंगल इक्वल, और ईच एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, वेयर रूट थ्री इज इक्वल टू वैल्यू लगा सकते हैं 1.73, ये इसकी वैल्यू ही, तो वैल्यू पुट करके लगा सकते हैं, यही वैल्यू यहाँ लग जाएगी। ये हाइट के लिए फॉर्मूला है, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ पर डाली, यानी कि इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आगे डिस्कस करेंगे, और सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी डिस्कस इन द क्वाड्रिलेटर्स। तो इतनी चीज समझ में आई, हमने बात करी किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की। अब जिस हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल थी, अब आइसोसेलेस में कुछ अलग बात होती है, तो देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या होता है इसमें। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होता है इसमें दो साइड इक्वल होती है, कौन सी साइड इक्वल होती है, दो साइड, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब ये ए का मतलब ए वी ए सी के इक्वल है, और जब ए सी के इक्वल है तो यही एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाले आपस में एंगल इक्वल होंगे, तो क्या लिखेंगे, टू एंगल इक्वल। और लेकिन कौन से इक्वल होंगे, अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे, यानी कि ये वाला ये साइड आपस में इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल, इसके अपोजिट ये एंगल, यानी कि वन इक्वल टू, और साइड कौन सी इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होती तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते, अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे उस हिसाब से। इतनी चीज समझ गए, ठीक है भाई, इतनी चीज समझ गए कि ये वाली साइड्स दो इक्वल होंगी, दो ही एंगल इक्वल होंगे। अब इसके एरिया, पेरीमीटर तो सभी सेम होते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस, इसका अलग एरिया होता है, एरिया होता है इसका बी अपॉन मल्टीप्लाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन फोर, ठीक है ना। ये इसका क्या हुआ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी अपॉन फोर इंटू फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ इसका आइसोसेलेस। लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो होता है एरिया का ऑफ ट्रायंगल, इसमें वो भी काम कर जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जैसे ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और मैंने ये हाइट डाली यहाँ से, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और ये इसके लिए बेस, यानी कि ये एच हुआ और ये क्या हुआ, बेस, ठीक है ना। ये हुआ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी अपॉन फोर रूट में अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बेसिक एरिया हुआ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर देख लेते हैं, तो पेरीमीटर जो होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, जरूरी नहीं कोई सा भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम कर दो पेरीमीटर आ जाएगा, यानी ए वी ए सी बी सी, कैसे भी सम कर दो, इसको इधर लिख दो, मतलब तीनों साइड्स का प्लस करना है, ठीक है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ पर सारी साइड्स इक्वल है तो थ्री ए लिख देते हैं वहाँ, क्योंकि थ्री का मल्टीप्लाई एक साइड से कर दो तो छः आ जाएगा, अगर दो साइड है तीनों इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं, तो ऐसा लगा दो, ये हो जाता पी पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आइए देखते हैं स्क्लेनी ट्रायंगल से पहले आप ये देख लीजिए कि ये बी क्या, बी जो वो वाली साइड होगी जो इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल साइड्स, ये क्या है, नॉन इक्वल साइड्स, आई थिंक ये चीज़ रिमेंबर रह चुकी। और जो ए जो है वो इक्वल साइड्स है, यानी कि ये अगर ये ए, ये भी ए था हमारा, ये भी बी था, तो वी में हमारी नॉन इक्वल साइड्स वाली रहेगी। अगर ये दो और ये दो, ये चार, तो यहाँ चार और यहाँ दो और वहाँ भी चार, ठीक है ना। तो ये था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर एरिया। तो नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं
स्क्लेनी, स्क्लेनी। अब स्क्लेनी ट्रायंगल एक अलग तरीके का ट्रायंगल होता है, बहुत उखड़ा उखड़ा ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये गुस्सा रहता है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल नहीं होती। जैसे ये बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगी, यानी कि ए वी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इतनी चीज समझ गए। इसको निकालने के लिए एरिया जो आता है, अब जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं, यानी कि नॉट एनी साइड्स इक्वल, नॉट एनी एंगल, नॉट एनी एंगल इक्वल, तो इसके लिए जो ट्रायंगल का फॉर्मूला आया, इसके लिए अलग से ट्रायंगल आया, वो आया हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला। पूरा वीडियो डला हुआ है हीरोन्स फॉर्मूला पर, कैसे हम जानते हैं, लेकिन तो भी मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, जिससे कि आपको अलग अंदाज हो जाए कि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, स्क्लेनी ट्रायंगल के लिए होता है। ये भी भाई गुस्सा ना रहा है, इस वजह से हीरोन्स साहब ने फॉर्मूला बना दिया। एरिया निकलता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। अब एस क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये पहला निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और ए क्या हमारी पहली साइड, बी क्या दूसरी साइड, तीसरी तीसरी साइड, मतलब सी मतलब तीसरी साइड। तो ये हुआ इसका एरिया, किसका, स्क्लेनी ट्राइंगल का। अलग एरिया है, याद करने की ज़रूरत है नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को, क्योंकि ये तो भाई चैप्टर ही है पूरा हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12। लेकिन एट्थ के बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी अगर थोड़ा सा याद कर लेंगे कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि ये क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सेमी का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स का डिवाइड टू से कर दो, सेमी पेरीमीटर। और एरिया तो आपने देख लिया, एस की वैल्यू लगाते जाएंगे माइनस करते जाएंगे, पहली साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, और आपका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी हो यूनिट स्क्वायर में आंसर आएगा। पेरीमीटर जो आते हैं वो जो आते हैं वो आते हैं हमारे यूनिट्स में, सेंटीमीटर या मीटर में, स्क्वायर इन पर नहीं डलता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने डिस्कस करे कि ट्राइंगल के दो पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो कॉपी और पेन को हमेशा हाथ में रखो और अपने नोट्स बनाओ, नोट डाउन करते जाओ, मैथ फेयर कॉपी, उस पर भाई ये क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल्स और सर्किल के कॉन्सेप्ट पार्ट लिखते जाओ, जिससे कि दिक्कत कोई नहीं होने वाली। वो नोट्स उठाओ, पुराना रिवाइज करो, पेपर दो, ठीक है ना। कॉपी अगर पेन अपनी है तो उसको लिख लो, अगर नहीं है सूटेबल नहीं, मेरे हिसाब से सब पे होगी, नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको तैयार है। दूसरा पार्ट आ जाता ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल का पार्ट, ट्राइंगल के टाइप्स। तो पहला जो आता है इसमें वो आता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरा जो आता है वो आता है चलो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, तीसरा जो आता है वो आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे ऑब्ट्यूज की, नाम से पता, पहले एक्यूट की बात करें, एक्यूट नाम से पता चल रहा है एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल का मतलब होता है, या एक्यूट एंगल का मतलब देख लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसकी जीरो डिग्री से बड़ा हो, जीरो डिग्री से कैसा हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री के से छोटा हो, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा, मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो वो एक्यूट एंगल हुआ। यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में वन ऑफ एनी थ्री एंगल इज लेस देन, इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल,
या तो दिस वन या दिस वन या दिस वन, ठीक, कोई सा भी एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है कि उसका वन ऑफ एनी थ्री एंगल जो हो वो लेस देन 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो। अब एक और चीज़ समझते हैं कि एक्यूट एंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो अंदर बनता है, ध्यान रखना, ऑल्टीट्यूड अभी डिस्कस करेंगे, ऑल्टीट्यूड जो उसका है वो अंदर बनता है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको देख लेते हैं, इसके लिए क्या होता है, वन ऑफ एनी थ्री एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि अगर इसको इसमें जो इसकी बात करें 90 डिग्री से ज़्यादा लगभग 100 डिग्री, तो ये इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कैटेगरी में आया, क्योंकि इसमें एक एंगल होना चाहिए बस, सारे नहीं, सारे होंगे तो 180 का सब सम होता है ट्राइंगल में, और ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए, इतनी चीज़ समझिए। लेकिन इसमें इसका जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो भार बनता है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। ये नाइन्थ में और टेंथ में मदद देगा आपको, ऑब्ट्यूज एंगल के ट्राइंगल के जो भी हैं एल्टीट्यूड होते हैं भार होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है वो इसके जस्ट बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए होगे कि ये चीज़ें हमारे सामने क्या होती हैं और क्या रह सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसकी तो डेफिनेशन ही बोलनी नहीं चाहिए, आती होगी, वन ऑफ एनी थ्री एंगल इज 90, ना तो 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री के बड़ा, ओनली 90 डिग्री के इक्वल, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, इतनी चीज समझ गए। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, नहीं जानते, जानते हो, चलो सीख लो, नहीं जानते होगे तो इसको जो बोलते हैं, इसका ऑल्टीट्यूड ऑन द साइड होता है, ये ऑल्टीट्यूड हुआ, अभी देखेंगे आगे ऑल्टीट्यूड क्या हुआ, ये क्या हुई हाइपोटेनस, इतना तो जानते होगे, बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, तो इसमें होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड वो होती है हाइपोटेनस, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते थे नाइन्थ और एट्थ में और कभी कभी सेवन्थ में भी, ये हाँ सेवन्थ में भी ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका ऑल्टीट्यूड ऑन द साइड में बनता है, जैसे एक्यूट का क्या बनना था अंदर, ऑप्ट्यूज का क्या बनना था लगभग भार बनना था, ऐसे कुछ प्रकार, लेकिन इसका जो बनता है वो यही होता है 90 डिग्री वाला। इतनी चीज़ समझ गए, इसको आप कॉपी पेन पे, मतलब कॉपी पे उतारिए पेन के द्वारा, और नहीं है तो भैया इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये चीज़ एक निचोड़ हो गया ट्रायंगल के टाइप्स और ट्रायंगल के बारे में। अब बात करेंगे ट्रायंगल के फीचर्स और ट्रायंगल के कुछ और मैनी पार्ट्स की, ट्रायंगल्स होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में, मीडियंस क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये चार पांच पार्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो हम बात करने वाले हैं ऑल्टीट्यूड, बहुत देर से बताए जा रहे थे ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड डिस्कस करने वाले। देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये ट्राइंगल हुआ ABC, एक अपोजिट वर्टेस से दूसरे साइड पर 90 डिग्री की जो लेंथ होती है, 90 डिग्री की हाइट होती है, अपोजिट वर्टेसेस से, अपोजिट मतलब अपोजिट वर्टेसेस से उसकी अपोजिट साइड पर जो हाइट डाली जाती है, और हाइट जो डाले वो 90 डिग्री अगर एंगल बनाती है तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, या दूसरे भाषा में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, इतनी चीज समझ गए, ठीक। अगर एक और कंडीशन आ जाती है इसी के पार्ट्स में, दूसरा पार्ट ये एल्टीट्यूड समझ गए, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ हाइट ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस, ठीक है ना, टू द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड एल्टीट्यूड। नेक्स्ट
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं क्वाड्रिलेटर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटर वाली वीडियो में, तो उसमें जाकर देखे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बाइसेक्टर कौन होते हैं, बाइसेक्ट कब कोई चीज़ होती है, इंटरसेक्ट कब कोई चीज़ होती है। तो मैं टाइम बिना दोबारा जाया खराब करे हुए अब वहाँ पर जा सकते हैं, डाल सकते हैं साइंस कंजुगेट क्वाड्रिलेटर पार्ट वन में बताया है, दो पार्ट हैं उसके। थर्ड आ जाता है मीडियन। ये नई नई चीज़ें हैं आपके लिए, हमें जानना जरूरी है मीडियन क्या होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये भी अपोजिट वर्टिसेस से ही डलेंगी टू द अपोजिट साइड, लेकिन इसका काम होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, एक सिंपल हाइट होगी, सिंपल हाइट, नॉट मेक 90 डिग्री, बट ये उस साइड्स को इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। मीडियन का मतलब ये होता है कि अ हाइट फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड या अपोजिट वर्टिसेस टू द इट्स अपोजिट साइड्स एंड बाइसेक्ट द साइड्स, उस साइड्स को क्या करेगी बाइसेक्ट, और जिस पर गिरेगी उस पॉइंट को जो बोलेंगे वो मिड पॉइंट बोलेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि जिस इस पर गिर रही है डी पॉइंट पर, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मीडियन क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस से डाली जा रही है, 90 डिग्री नहीं बना रही लेकिन उसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ रही है, यानी कि BD किसके इक्वल हो गया DC के, तो उसको क्या बोला मीडियन। ये इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं, बात समझ में आए। और जहाँ ये तीनों मीडियन मिल जाती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, क्या बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी कि मीटिंग, बट्टा कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बात करेंगे यहाँ सारी, हम फंडामेंटल बात करने वाले हैं, बेकार चीज़ बात नहीं बनने वाले। जी इज द सेंट्रोइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ऑल मीडियन, ये जहाँ मीडियन मीट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग ID नॉट D। कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, मैंने कहा था ना जीरो से हीरो बनोगे इस वीडियो को देख करके, ट्रायंगल में सारा निचोड़, फालतू फालतू की बात नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, इतनी चीज़ समझ गए। और एक और बढ़िया चीज़ बता दूँ इसमें, AG अपॉन GD का जो क्या बोलते हैं रेशियो होता है वो 2:1 होता है, यानी कि ये 2 होगी और ये 1 होगी, अगर ये सेंट्रॉयड है तो। ये आपके लिए नहीं लेकिन ये 9th-10th के बच्चों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2:1 होता है AG अपॉन GD का रेशियो, यानी कि अगर AG और GD का रेशियो ये हो गया, G हमारा क्या हो गया सेंट्रोइड। और एक और चीज़ कि अगर ये ऑल्टीट्यूड हो, जैसे ये ऑल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड, जहाँ एल्टीट्यूड मिलेंगे उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। कॉन्सेप्ट से बात कर रहे थे, कहा था जीरो से हीरो बनोगे, कॉपी पेन पकड़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं नहीं मिलेंगी बुक में ढूंढने से भी, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं जहाँ तीनों मीडियन, तीन मीडियन होती है कि ट्रायंगल में, तीन ही ऑल्टीट्यूड होते हैं, जहाँ सारे ऑल्टीट्यूड मीट कर जाएं, इसको वो बोल देते हैं, उसको बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर। डेफिनेशन बढ़ा सकते हो इसी प्रकार, ठीक है ना। तो ऑल्टीट्यूड बाई परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, मीडियन सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर। और एक नई चीज़ जिसके लिए हमने ट्रायंगल्स में नई चीज़ें इंक्लूड की कि मीडियन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। हाँ एक और चीज़, हाँ वो बता चुका मैं ऑल्टीट्यूड, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी इस वीडियो के द्वारा, ट्रायंगल्स का हमने निचोड़ पड़ा कि ट्रायंगल्स होता गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, जो वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इस वीडियो पर हमें इन्फॉर्मेशन या उस वीडियो बनवानी है, तो उस हिसाब से हम काम करना चालू करेंगे। तो बने रहिए BIP कॉन्सेप्ट के साथ।